नमस्कार दोस्तों, इनकी वर्तमान आयु 32 इयर्स है। अभी ये बैंक में काम कर रहे हैं, जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। घर के पास ही जॉब है पर फिर भी इनको सेटिस्फाई नहीं है। उसका कारण एक छोटी सी राहु रेखा ने आपको वर्तमान समय में काटा है, तो ये आपको प्रॉब्लम दे रही है, आपको नेगेटिव फीलिंग दे रही है। ये जैसे ही पूरी होगी एक बहुत बड़ा ऑफशूट आपके हाथ में मुझे दिख रहा है। तो या तो बहुत अच्छी आपको कोई जॉब की ऑफर आएगी जीवन में, या कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी आपके जीवन में आ सकती है। दो में से कोई ना कोई एक कार्य आपके जीवन में होने वाला है। बहुत बड़ा ऑफशूट इस राहु रेखा के बाद है। जीवन में जो जो दिख रहा है वो सारी चीज़ें मैं बताते चलूँगा, पर ये नेगेटिव पाम नहीं है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शुभ साइन भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ोगे पर फिर भी अच्छे खासे व्यवस्थित जीवन जीने वाला हाथ है ये। जीवन में है तो दो चार हर्डल्स तो आते हैं, वैसे आपके भी जीवन में दो चार हर्डल्स है, पर ओवरऑल आप जीवन का निचोड़ निकालोगे तो आप एक अच्छे सफल व्यक्ति के रूप में गिने जाओगे। जिस व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषा का रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम रेक्टेंगल पाम है, तो ऐसे लोग बोलकर या बैठे बैठे कार्य करने के इच्छुक होते और अच्छे सेल्स पर्सन भी माने जा सकते। अंगूठा फर्स्ट फैलेंज काफ़ी नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद होगी। सेकेंड फैलेंज कम है, यानी लॉजिक के साथ तत्वों के साथ बात रखने में कहीं ना कहीं आप संकोच रखते होंगे, और ये जब थोड़ा सा भी कोण बने तो व्यक्ति का दिमाग का कंट्रोल शरीर के अवयव से बहुत अच्छा होता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी, और फैलेंज बड़े है तो कहीं ना कहीं एनालिटिकल पर्सनालिटी तो जरूर होंगे। फास्ट निर्णय लेते लेते भी आप एनालिटिकल होंगे। सूर्य की उंगली और जुपिटर की उंगली लगभग मुझे सेम नज़र आ रही है, और ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर ही चलते हैं, और ये देखिए, ये बैंकिंग क्षेत्र में जब किसी व्यक्ति की रेखा डार्क ब्राउन या इस तरह की स्थिति हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, इस तरह के क्षेत्रों में ही जाता है, या जमीन से जुड़े कार्य। और यहाँ पर देखिए, माइंड लाइन को इस पीरियड तक दबाव में है, ये पीरियड आपका दबाव में रहने वाला है, और ये पीरियड होगा, अगर ये पाम थोड़ा सा भी सीधा होता तो मैं एग्जैक्ट पीरियड बता पाता, नहीं तो भी 37-38 तक थोड़ा सा दबाव आपके जीवन में रहेगा क्योंकि माइंड लाइन पर सूजन है, फैलाओ फैली हुई है। अब आपके इंक लगे पाम पर ही चलते हैं, यहाँ पर सीधी रेखा दिख रही है, और जिस व्यक्ति के हाथ में इस तरह की कंडीशन हो तो आंख मुन के कह दो कि बुढ़ापा बहुत अच्छा जाएगा फाइनेंशियली, और ये पार्ट जब उभार रहता है तो व्यक्ति को यश के प्रति ज़्यादा जागरूक होता है। छोटा भी काम करे तो उसके मन में भावना होती है कि मुझे फेम मिलनी चाहिए। यहाँ पर यश वाली साइन भी है, ये भी एक खासियत है, तो आपको जीवन में यश तो अच्छा खासा प्राप्त होगा क्योंकि इसका जो जॉइंटिंग है वो पीछे की तरफ होता है तो शो नहीं होता। और दो छोटी छोटी साइनें हैं जो आपको बड़े अधिकारी तो बनाएगी ही। एक यहां पर है, और एक यहां पर है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत 2 या 4 mm की साइन है, पर इतनी भी साइन आपको बड़ा अधिकारी बनाने में सक्षम है। आप जीवन में संपन्नता पाओगे ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं
पर फिर भी आम लोगों से अच्छी खासी सफलता आपको मिलेगी। और ये स्क्वायर जब कंप्लीट होते हैं, अगर ये कहीं ना कहीं कंप्लीट होगा तो हो सकता आपको मल्टी सिटी का भी काम जीवन में करना पड़े। एक छोटी सी साइन यहां पर भी है, फोटोग्राफी इसे कहते हैं। एकदम सारी चीजें ऐसा उभर कर सामने आती है, कहीं पर भी किंतु परंतु नहीं रहता। और अगर ये क्रॉस होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, 99% ये क्रॉस है, ये व्यक्ति को पिता की ओर से मतभेद दिखा रहा है, या पिता का साया छोटी उम्र में जाता है, या पिता से दूर रहना पड़ता है और जीवन में बार बार हमें बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यानी थोड़े से आगे बढ़े तो कोई ना कोई टांग खींचने वाले लोग मिलते हैं, या ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती है जिसके कारण हमें पीछे आना पड़ता है। ये एक और साइन है जो शुक्र वलय का निर्माण कर रही है। तो ऐसे लोगों को कला प्रेमी होते हैं, कलाएं अच्छी लगती है, पिक्चर देखना अच्छा लगता है। आम इंसान मूवी देखने जाएगा और शुक्र वलय वाला जाएगा, उसमें फर्क रहता है। ये उसमें बहुत सारी वस्तुओं को डीपली देखेंगे, और जिसके शुक्र वलय नहीं है तो वो एक मूवी देख कर आया, एंटरटेन करके आया और घर पे आ गए। पर ये उसमें डिटेल में जाते हैं जिनके शुक्र वलय होते, किस तरह का कपड़ा पहना है, किस तरह की फोटोग्राफी की है, यानी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में उस मूवी को देखने की कोशिश करते। ये एक उदाहरण बताया, जरूरी नहीं हर व्यक्ति को मूवी से ही लव हो, कला के प्रति लगाव रहता है व्यक्ति का। अब किसी न किसी जमाने में आपको सेवा वाला कार्य या विदेश से धन प्राप्ति के योग आपके जीवन में बनेंगे, क्योंकि दो तरह के ये जो बुढ़ापे हैं, तो कई बार ऐसा होता है संतान ऐसे लोगों की विदेश में चली जाती है और फिर इनका वहाँ से धन प्राप्ति होती है, भले डायरेक्ट जेब में आए ना आए, पर उसकी रेखाएं रहती है। तो कभी ना कभी ये फायदा भी आपको मिलेगा, और ये स्क्वायर के कारण हो ना हो आप बड़ी स्थिति में तो पहुँचने ही वाले हो, मल्टी सिटी का काम आपको मिलने ही वाला है जीवन में। और बहुत बढ़िया एक सन लाइन है, ये कंफर्टेबल इनकम देती है व्यक्ति को, और एक वी शेप भी बन रहा है तो ये भी एक्स्ट्रा धन देता है। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता, और कंटिन्यू चलने वाली रेखा है तो जीवन भर उन्नति बनी रहेगी, कोई उन्नति की कोई प्रॉब्लम इस हाथ में नहीं है। और ये जो शेप बनता है, ये व्यक्ति को अगर ये मिक्स होता होगा इस तरह से, तो धर्म के प्रति इनकी आस्था अलग होती है, ये किसी को बता नहीं पाते, और बता भी दिया तो सामने वाला समझ नहीं पाता। जुपिटर माउंट पर एक कंटिन्यू खड़ी लाइन है, इस तरह की लाइन वाला व्यक्ति खराब समय भी आए तो टिका रहता है और कंटिन्यू प्रोग्रेस की ओर इशारा जाता है। ये एक लाइन चल रही है, ये लाइन व्यक्ति को धार्मिक बनाती है, और पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस होते हैं उसमें ध्यान जाता है। अंदरूनी मंगल भी व्यवस्थित है तो शरीर की ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी पाई जाती है, भारी मंगल उससे भी अच्छा है। तो ऐसे लोग हिम्मती स्वभाव के होते हैं, और जब किसी से मिलते तो एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। एक अच्छी सी बुध रेखा जा रही है और इसके द्वारा एक ग्रेटर ट्रायंगल का भी निर्माण हो रहा है और एक मनी ट्रायंगल का भी निर्माण हो रहा है। तो संपत्ति तो आप बुढ़ापे तक अच्छी खासी जमा करोगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ना आपकी धन रेखा उतनी भी खराब है। और शुभ साइन है, तीन तीन छोटी छोटी है पर अच्छा खासा धन देती है, उतनी भी साइन है। मेरे पास ये जब पाम आया तो मैं एक समय तो सोच रहा था कि इस पाम में ऐसी कोई बहुत ज्यादा खराबी नहीं है तो ये क्यों आया, पर जब एनालिसिस करने बैठा तो एक छोटी सी राहु रेखा इनको काट रही थी, वो नेगेटिव फीलिंग दे रही है, वो हिसाब से ये हमारे पास आए होंगे, बाकी इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला पाम है ही नहीं। और ये देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल कंप्लीट नहीं है,
नहीं तो ये विदेश से धन प्राप्ति का योग बनाता था। और ये एक छोटा सा भी क्रॉस अगर बनता है तो व्यक्ति को जीवन के प्रति नेगेटिव फीलिंग देता है, डर लगता है आज मैं जहाँ पर हूँ उससे नीचे गिर गया, तो इस तरह की फीलिंग व्यक्ति को आती है। और ये जो लाइनें रहती है ये यात्रा करवाती है, और विदेश यात्रा आपको लाभ मिलने ही वाला है। और अगर जुपिटर माउंट इसी तरह का रहा तो हो न हो पारिवारिक समस्याएं व्यक्ति को रहेगी, सांसारिक समस्या भी रहेगी। अगर होगी तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। शुक्र पर्वत पर ये स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी के स्क्वायर है, ये आपको प्रॉपर्टियां दिलाएंगे। और एक व्यवस्थित शुक्र पर्वत है, ज़्यादा उभार है न ज़्यादा दबा हुआ है, न ज़्यादा लग्जरी के पीछे भागता है न ज़्यादा लग्जरी से दूर भागता है, एकदम व्यवस्थित जीवन जीने वाला व्यक्ति का हाथ है ये। हाँ, आपकी हृदय रेखा थोड़ी गुस्सेल स्वभाव की है क्योंकि मंगल की ओर देख रही है, ये व्यक्ति को गुस्सा दिलाती है, पर है जुपिटर को टच करके, यानी भरोसे लायक इंसान होता है। ये एक माइनस पॉइंट है आपके हाथ में। और थोड़ी सी हृदय रेखा आपकी डार्क कलर की है तो झंझटें जीवन में रहेगी, उसको आपको झेलना ही है, आपाधापी लगी रहेगी आपको क्योंकि डबल डबल हृदय रेखा भी है, तो ये प्रेशर बना रहता है जीवन में झंझटों का, इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। और यहाँ पर फ्लड लाइन भी है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब माइंड लाइन का मैं बता चुका हूँ इस पर कि कहाँ तक दबाव है, और ये जो लाइन रहती है यहाँ से निकली तो प्लानिंग भरपूर बनाता है, और ये जुपिटर को टच करती तो महत्वाकांक्षा भी दिखाती है, और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पर रहते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते। और ये लाइन चल रही है और यहाँ पर ब्रेक आ रहा है, ये ब्रेक के कारण हो न हो कोई ऐसी घटना घटी होगी आपके जीवन में, और ये पीरियड होगा अंदाजित। माइंड लाइन पर थोड़ा सा भी टूट हो तो वो जीवन में तकलीफ देता ही है। ये लगभग 29 के आसपास के पीरियड में कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी जो आपको थोड़ा सा विचलित किया होगा, और उसके बाद जीवन के प्रति सीरियस बने होंगे, और ये माइंड लाइन फिर यहाँ से निकल रही है, तो ये व्यक्ति को प्लानिंग भरपूर बनवाती है, और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पर रहते हैं, और उसके बाद माइंड लाइन काफ़ी सुंदर रूप से आगे बढ़ रही है और काफ़ी बड़ी है, तो बुद्धि प्रतिभा भरपूर रहेगी, बुद्धि प्रतिभा में कोई प्रॉब्लम है नहीं, बुद्धि के बल पर आप अच्छा प्रोग्रेस करोगे। अब आपकी जीवन रेखा पर, ये आपकी 29 की एज में ये शादी हुई, उसके पहले एक रेखा ने कट किया था आपको, अगर ये कट करती होगी तो ये कोई ना कोई बाधा आई होगी जीवन में, और ये लाइन ने आपके जीवन में शादी करवाई। उसके बाद आपको वर्तमान समय में देखिए एक छोटी सी राहु रेखा ने काटा है, ये आपको नेगेटिव फीलिंग दे रही है, और ये जैसे ही पूरी होगी उसके बाद सीधा ऑफशूट है, ये कोई बहुत बड़ा बेनिफिट दिलाएगा, या तो बहुत बड़ा कोई जॉब का अच्छा ऑफर आएगा आपको, या कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे आप, दो में से कोई ना कोई एक वस्तु आपके जीवन में होने वाली है इस राहु रेखा के पीरियड के बाद। उसके बाद एक राहु रेखा आएगी आपके जीवन में 35 में, ये भी छोटी है, कोई ना कोई विघ्न लाएगी। एक बड़ी राहु रेखा आएगी आपको 37 में, और यहाँ पर एक ऑफशूट भी है, तो हो ना हो इस पीरियड में जॉब जा भी सकती है आपकी, और उसके बाद कोई अच्छी जॉब भी आपको मिल सकती है क्योंकि ऑफशूट है। उसके बाद 39 में एक छोटी सी राहु रेखा है, ये आपको कोई ना कोई तकलीफ देगी। 44 में एक ऑफशूट है और एक छोटी सी, सॉरी 44 में ऑफशूट है और 45 में एक छोटी सी राहु रेखा है। उसके बाद आपके जीवन में एक 49 में ऑफशूट है, और उसके बाद छोटे छोटे ऑफशूट भरपूर है, तो जीवन में विकास तो आपको लिखा हुआ है, और जीवन रेखा उत्तम तरीके से आगे बढ़ रही है। अब आपकी माइंड लाइन को भी एक बार हम समझ लेते हैं। ये माइंड लाइन पर देखिए, ये जब मोटी होती है तो दबाव रहता ही है, और ये पीरियड
लगभग वर्तमान समय में ही चल रहा है। तो आपको 35-36 तक तो आपको दबाव रहेगा रहेगा रहेगा, और उसके बाद भी दबाव दिख ही रहा है, पर ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हार्ट लाइन और माइंड लाइन पर दबाव जरूर आपके है ही है, तो ये आप एक्सेप्ट करके ही चलिए। और आपकी धन रेखा को देखते हैं, धन रेखा पर देखें तो इस पीरियड तक थोड़ी सी अच्छी धन रेखा नहीं है। ये पीरियड होगा 29 के आसपास। उसके बाद देखें तो ये दो पीरियड थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा आपके जीवन में, यानी लोगों का सहयोग कम मिलेगा। ये पीरियड होगा आपको 33 से लेकर 37, पर ये ऑफशूट कोई ना कोई अच्छी ऑफर तो आपको देने वाला है। उसके बाद एक धन रेखा जब इस तरह की निकलती है तो ये कई लोगों में सेवा वाला कार्य, किसी और के प्रोडक्ट को सेल करना या किसी और के प्रोडक्ट को सेवा देना, इस तरह का कार्य भी कराती है, या विदेश से धन लाभ, दो में से कोई ना कोई एक कार्य व्यक्ति के होता है। और कई लोगों के जीवन में ऐसी पड़ी रहती है जिसका कोई यूज नहीं होता। एक बदलाव आएगा आपके 36 के आसपास और एक कट लगेगा 41 के आसपास या 42 के आसपास, और ये धन रेखा सीधी चलकर अप टू एंड तक जा रही है। ठीक है, धन रेखा इतनी कमजोर भी नहीं है और इतनी अच्छी भी नहीं है, पर फिर भी शुभ साइन है आपके हाथ में, तो ज़्यादा तकलीफें आपको आएगी नहीं। आप जीवन के अंत तक आम लोगों से कई गुना ज़्यादा आप जमा कर चुके होंगे। हाँ, बहुत अच्छी सुंदर धनरेखा तो मैं नहीं मानता, पर फिर भी विकास आपके जीवन में लिखा वो मिलेगा आपको। और ऐसे कोई कट केवल यहाँ पर है 41-42 के आसपास, इसके अलावा कोई कट कहीं पर भी धनरेखा में नहीं है, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा एक्सपेंस लेवल ज़्यादा रहेगा, इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। और जो डिज़ायर ग्रोथ है उसमें हो सकता है 30-40% आपको कम जीवन में मिले, पर फिर भी शुभ साइन है तो आम लोगों से तो कई गुना ज़्यादा आप इनकम करोगे। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।